हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? भारत का सामान्य ज्ञान पार्ट टू है। 100 क्वेश्चन है जो ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। RRB, NTPC, ग्रुप डी, SSC, सीजल, बैंक, PO, पुलिस, पटवारी, ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो इंडिया जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अगर आपको PDF प्राप्त करना है इसी क्वेश्चन का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, देवा स्टडी पॉइंट IQ। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन होगा, भारत वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका राइट हो जाएगा कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? कोयला है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आपको कमेंट में बताना है आपके कितने राइट हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इसमें हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, भारत के तटरेखा की लंबाई है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 6100 किलोमीटर है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9। कितने हैं? 9 है। तो आपको अगर राज्यों के नाम लिखने हैं तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो तट रेखा पर 9 राज्य है दोस्तों। ये वीडियो को ब्रेक लेकर आप इनसे सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है? तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है केप मोरिन। क्या है? केप मोरिन है दोस्तों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक। तो आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, मेकमोहन रेखा है दोस्तों। कौन सी रेखा है? मेकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो राइट हो जाएगा इसमें रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है साथियों, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन किस देश के साथ है? तो भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला होगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला होगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपका राइट हो जाएगा इसमें, मुंबई में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट हो जाएगा इसमें कमलजीत सिंधु। कौन है? कमलजीत संधु, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला होगा, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो 15 नंबर में राइट हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत का दक्षिण नोक है, भारत का दक्षिणतम नोक है, तो 16 नंबर में आपका राइट हो जाएगा केप केमोरिन, दक्षिणतम बिंदु। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है, और पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो 17 नंबर में आपका राइट हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ यूपी की राजधानी है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 18 नंबर में आपका राइट हो जाएगा 9 राज्य हैं, तटरेखा से 9 राज्य हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा इसमें दोस्तों, भावर कहलाते हैं। क्या कहलाता है? भावर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें।
अगला होगा भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन होगा भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल भूटान और चीन से मिलती है, तो राइट हो जाएगा आपका इसमें 21 में सिक्किम, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत का सर्वप्रथम सर्वपर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर, सॉरी दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसमें आपका हो जाएगा गोडविन ऑस्टिन, कौन सा है गोडविन ऑस्टिन। अगला होगा भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है, तो राइट हो जाएगा हिमालय, और सबसे पुरानी पूछ ले ये न्यूनतम है तो पुरानी है अरावली पर्वतमाला, याद कर लेना। अगला होगा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो ये आपकी कौन सी होगी, तो राइट हो जाएगा अजंता, ठीक है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला होगा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो राइट हो जाएगा गुरु शिखर, और इनकी ऊंचाई पूछ ले तो 1722 या 27, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो राइट हो जाएगा इसमें अरावली सबसे प्राचीनतम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो 27 नंबर में राइट हो जाएगा म्यांमार से जोड़ता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो राइट हो जाएगा गंगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो राइट हो जाएगा ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में एमपी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो इन नदियों में से किसका भारत में उद्गम नहीं होता, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सतलज नदी का भारत में उद्गम नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें भारत की सबसे बड़ी मिट्टे जल की झील कौन सी है, तो राइट हो जाएगा इसमें उल्लर झील है दोस्तों, कौन सी है उल्लर झील, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट में बताना आपके कितने राइट हो रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है, तो राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें मणिपुर में है, कहाँ पर है मणिपुर में है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है, तो इसमें आपका हो जाएगा किस राज्य में नहीं है, किस केंद्र शासित प्रदेश में, अब पहले जम्मू कश्मीर राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दो, तो आपका इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है याद कर लेना। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला होगा भारत की प्रसिद्ध लेंगून झील है, तो भारत की प्रसिद्ध लेंगून झील कहाँ है, तो राइट हो जाएगा इसमें चिल्का झील है, कौन सी है चिल्का झील है उड़ीसा में है दोस्तों। ये भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो राइट हो जाएगा आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, तो राइट हो जाएगा आपका दामोदर, किस नदी घाटी परियोजना दामोदर पर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के कोरोमंडल तट से सर्वाधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राइट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में होती है कोरोमंडल तट पर। अगला हो जाएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मानसिन राम, क्या हो जाएगा मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, तो राइट हो जाएगा चिनाब नदी पर है, कहाँ पर है चिनाब नदी पर। भारत के किस राज्य में जोड़ के मौसम में वर्षा होती है, जोड़े के मौसम में, तो इसमें आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, क्या हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो राइट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा देहरादून में है, कहाँ पर है देहरादून में।
अगला होगा भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा के एम मुंशी। कौन है जन्मदाता? के एम मुंशी है। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 2.82% है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला होगा भारत वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 1981 में। कब की गई? 1981 में, ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो राइट हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट हो जाएगा पतझड़ वनस्पति है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका इनमें से असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला होगा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? तो राइट हो जाएगा कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो 53 में राइट हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 55 में आपका राइट हो जाएगा 24%, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो राइट हो जाएगा नलकूप और कुआ। क्या हो जाएगा? नलकूप और कुआ। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो राइट हो जाएगा दक्षिण में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 59 में आपका हो जाएगा पंजाब राज्य। कौन सा है? पंजाब राज्य। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? रेगुड़ मिट्टी। तो 60 नंबर में आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन रेगुड़। क्या जाना जाता, किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो 62 में राइट हो जाएगा चावल, ठीक है, चावल। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट हो जाएगा धान। कौन सी फसल? धान फसल उगाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो 64 में आपका हो जाएगा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। अगला हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य? तो इसमें आपका हो जाएगा केरल। कौन सा राज्य है? केरल है। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? तो राइट हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। भारत का वे एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो 68 में आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? राज्य नहीं होगा अब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, याद कर लेना, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व कौन सा स्थान है? भारत में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें प्रथम स्थान है दोस्तों। कौन सा है? प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो राइट हो जाएगा द्वितीय स्थान है, सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है और फल उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो 72 में आपका राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल जूट का उत्पादक। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में होती है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें असम में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है? तो राइट हो जाएगा कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वीडियो को दो तीन बार देख लेना, आपको ये याद हो जाएंगे। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट हो जाएगा बी, केरल राज्य में होता है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो राइट हो जाएगा 1970। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? तो 84 में आपका हो जाएगा चावल का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक भागीदारी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों ताप विद्युत, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो 86 में आपका हो जाएगा तारापुर। कौन सा है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो राइट हो जाएगा दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। कहाँ पर? दार्जिलिंग में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 67%, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला होगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? तो राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? तो राइट हो जाएगा राजस्थान, जस्ता उत्पादक राज्य। अगला हो जाएगा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राइट हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो इसमें हो जाएगा पन्ना। कहाँ से निकाला जाता है? पन्ना से। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कोलार में। कहाँ पर पाया जाता है? कोलार में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो राइट हो जाएगा झारखंड में पाए जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा औषधीय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो राइट हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ पर किया गया? डिगबोई में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो राइट हो जाएगा जादूगोड़ा में। कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो राइट हो जाएगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा पेट्रोलियम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों के साथ।